मैं एमटीआई न्यूज से हूँ। साउथ का कल्चर और महाराष्ट्र का कल्चर दोनों ही बिल्कुल अलग है। इन दोनों कल्चर में तालमेल बिठाने के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी पड़ी, और खासकर हमने देखा है कि महाराष्ट्र के जो टारगेट ऑडियंस है उसका उसके ऊपर आपका कहीं ना कहीं फोकस ज्यादा है, ऐसा क्यों, जबकि साउथ बहुत बड़ा मार्केट है। सर आपका नाम क्या है? सर रियाज अहमद। रियाज भाई, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कल्चर एक ही है, अपनी जो संस्कृति अपना जो संस्कार है वो एक सिंपल कॉमन है। पर महाराष्ट्र का मैंने क्यों किया, बिकॉज मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। मैंने एक चीज़ देखा है, जो एक्टर्स या जो स्टार्स है साउथ में, वो लोगों के लिए बहुत करते, और मेरी भी इच्छा थी कि मैं कुछ ना कुछ करूं, तो इसीलिए आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द पीपल जहां पर मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए मैं मराठी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क टू ऑल द एक्टर्स? रसना जी से सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आप फिल्में बन रही है, जो फिल्म बन रही है, ये कितनी लैंग्वेज में है? सर ये 5 लैंग्वेजेस में है, हिंदी, ये मराठी, तेलुगु, हिंदी, तमिल और कन्नड़। मतलब योर वाइफ, तो जब रोमांस का सीन था तो कैसा एक्सप्रेशन आपने दिया, क्योंकि सामने प्रोड्यूसर भी बैठा है, सामने वाइफ भी बैठी है, वो थोड़ा सवाल। रोमांस का सीन था, मेरे डायरेक्टर ने करने नहीं दिया, खुद ही पहले रिहर्सल करता था। तो मैंने यार कोटी करू, सो मेनी टाइम्स आई सेड लाइक यू नो, ही सेड वेट आई विल शो यू, टुक टुक जाते थे पूरा करके, फिर बोलता मैं नहीं करता। तो इसलिए पिक्चर में आप देखो, इट्स नथिंग लाइक दैट, ये हमारा सी बोलते हैं ना साउथ में कि जो अपना काम है वो काम नहीं, अपनी पूजा रहता है। और रोमांस और ये सब लोगों को पर्दे पे दिखता है, पर जब परफॉर्म करते हैं वो सब ऐसे जहन में नहीं आता। तो ऐसा कभी आई डोंट थिंक सो, मेरी प्रोड्यूसर को भी कुछ तकलीफ रही है ऐसे। थैंक यू सर। फाइनल नोट सभी को, आप क्या कहोगे? पहले मैं हमारी तेजस्विनी पंडित जी से कहना चाहता हूँ, वुड यू लाइक टू से समथिंग टू द पीपल ऑल द मीडिया? आई थिंक मी जसं मगाशी म्हणाले, एका महाराष्ट्रातल्या मातीतल्या माणसाने ज्याचं नाव देव गिल आहे, त्या माणसाने मराठी चित्रपट सृष्टीत पदार्पण करण्याचं ठरवलं, ही खूप मोठी गोष्ट आहे। तर आपण मराठी माणसं म्हणून आणि महाराष्ट्र म्हणून याच्या सिनेमाला मराठी लोक काय करू शकतात, कसं सगळ्यांना डोक्यावरती उचलू शकतात हे दाखवून देऊयात, आणि 30 ऑगस्टपासून थिएटरमध्ये गर्दी करूयात, आणि याचा सिनेमा उत्तमरित्या चालवूयात। याच्यामध्ये बाकीसुद्धा मराठी कलाकार भरपूर आहेत, तर तुम्हाला हा चित्रपट ज्या ज्या लँग्वेजमध्ये बघावंसं वाटेल ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा मूवी बना है, सो पीपल विल हैव टू कम थिएटर एंड वॉच दिस मूवी इन थिएटर। थैंक यू। प्रवीण सर, 30 ऑगस्टला महाराष्ट्रामध्ये नवे संपूर्ण भारतात हा चित्रपट प्रदर्शित होतोय, तर 30 ऑगस्टलाच तिकीट बुक करा आणि हा चित्रपटाचा आनंद घ्या। छत्रपती शिवाजी महाराजांवर प्रेम करणारे एक पोलीस ऑफिसर काय करू शकतो ते या चित्रपटात तुम्ही पहा। यस सर, कोटी सर।